हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 11th की नेक्स्ट पोयम फादर टू सन, जिसके पोइट है एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये जो पोइट पोयम है, इसमें जो कविता, इसमें एक फादर और सन की जो पीढ़ी के बीच में जो अंतराल है, यानी इसके बीच में जो गैप है, उसको बताया गया है कि पिता अपने पुत्र को स्वयं के बीच में एक दूरी अनुभव करता है, कि पिता अपने पुत्र से एक अनुभव दूरी अनुभव करता है कि हाँ, उसकी एज में कुछ अंतराल है। वह पुत्र के समीप आना चाहता है, किंतु उन दोनों का अपना अपना संसार है। देखा होगा आपने, माँ बेटे के पास आकर बात कर सकती है, लेकिन पिता थोड़ा हिचकिचाता है। उसी प्रकार से इस पोयम में बताया गया है, और वे को भी समीप नहीं आ पाते। इस तरीके की बात फादर और सन के जो रिलेशन है, उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। तो इस पोयम को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फादर और सन के रिलेशन के बारे में इसमें बताया है, और किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं पहले स्टेंजा की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं पहले स्टेंजा की तरफ। क्या कहता है पहला स्टेंजा आपका? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, समझना, दिस चाइल्ड। दिस चाइल्ड मतलब इस बच्चे को, मतलब तो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। हम इन द सम हाउस फॉर ईयर्स, इन द सम सेम हाउस फॉर ईयर्स, यानी आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हम दोनों साथ में रहते हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर, बहुत सारे साल से हम साथ में रहते हैं, सेम हाउस में दोनों साथ साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन कह रहा है? फादर। I know nothing for him, so try build up a relationship from how he was when small. I know, यानी मैं जानता हूँ या मैं समझ जाता हूँ। Nothing of him, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Nothing of him यानी इसके बच्चे, इस बच्चे को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहा है फादर? मैं इस बच्चे को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं उसके साथ उसी तरह का एक संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ जैसा कि वह तब था जब वह छोटा था। मतलब छोटा जो बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, वो किस तरीके से फादर उसको अच्छा खिलाते हैं, उसको बात करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उस तरीके की रिलेशनशिप में वापस स्थापित करना चाहता हूँ। ये बात पोएट कह रहा है, कि पोएट कह रहा है, आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हम अभी साथ में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बिल्ड यानी बनाने की, अप रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यानी संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, जब वो छोटा था, जैसा हमारा, जब वो छोटा था तब उसके साथ जैसा मेरा रिलेशनशिप था, उस प्रकार का रिलेशनशिप बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस जो कविता है, इसमें हम कह सकते हैं इस पोएम में, कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जब पिता कहता है कि उसके कहने का तात्पर्य है कि वह अपने पुत्र के विचारों को पसंद नापसंद के विषय में नहीं जानता, मतलब कि वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ वो पसंद नहीं करता है, और वो एक रिलेशनशिप स्थापित करना चाहता है। उसमें कह रहा है वो रिलेशनशिप स्थापित करना चाहता है, तो पूछ रहा है किस प्रकार का रिलेशनशिप। द फादर वॉन्ट्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिज सन एज इट वॉज वेन ही वॉज सो क्वाइट यंग, वो उस तरह का व्यवहार स्थापित करना चाहता है, कि पिता अपने पुत्र के साथ वैसा संबंध बनाना चाहता है जैसा कि उस समय था जब पुत्र छोटा
था, उस प्रकार का रिलेशनशिप वो उससे बनाना चाहता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पिता की क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पिता क्यों इस उसके सामने मुसीबत आ रही है। आप देख रहे हो कि जिस तरह से पोएम में कहा, तो क्या है मुसीबत जिसमें, तो ये जनरेशन गैप की इसके सामने प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम यहाँ पर इस पोएम में शो हो रही है कि जनरेशन गैप जो होती है एक पिता और पुत्र के बीच में, विचारों में काफ़ी फर्क होता है, सोचने में काफ़ी फर्क होता है, कार्य करने में काफ़ी फर्क होता है। तो उस तरीके की जो जनरेशन जो गैप है वो उसके सामने समस्या आ रही है। अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, स्टेंजा नंबर 2। यट हैव आई किल्ड, यट यानी फिर भी, यट यानी क्या होगा, फिर भी, हैव आई किल्ड, हैव आई किल्ड यानी मार दिया या समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर, द सीड, सीड यानी हम कह सकते हैं कि बीज, बीज सीड यानी बीज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बीज का मतलब होगा संस्कार, यहाँ पर संस्कार मतलब होगा क्या होगा, संस्कार, संस्कार जो होते हैं ना किसी को देते हैं संस्कार, उस प्रकार का संस्कार। तो यहाँ पर सीड का मतलब होगा संस्कार। आई स्पेंट और सोन इट वेयर, आई स्पेंट, स्पेंट यानी दिए देना, और सोन इट वेयर, सोन इट, सोन यानी बोना, किसी भी चीज को बोना यानी संस्कार को या सीड को बोना, इट वेयर, द लैंड इज एंड नन ऑफ माइन, यानी कि फिर भी क्या मैंने उन संस्कारों को समाप्त कर दिया जो मैंने उसे दिए थे, या उस बीज को ऐसी जगह बोया जहाँ जमीन उसकी थी और बिल्कुल भी, और मेरी बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को जो सीड, सीड यानी संस्कार दिए थे, यानी स्पेंड यानी दिए थे, यानी यट हैव इट किल्ड, कि मैंने अपने बेटे को जो सीड यानी संस्कार के रूप में जो सीड बताए गए वो दिए थे, वो उसने बोए जहाँ पर, जो उसने बोए कहाँ पर बोए, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, क्या वो जमीन उसकी थी, मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी यहाँ पर कहने वाला है कि जमीन, अगर आप यहाँ तक देखो तो बीज का तात्पर्य हम देख सकते हैं पिता द्वारा दी गई शिक्षाएं, बीज यानी संस्कार, यानी पिता द्वारा दिए गए संस्कार हैं, और जमीन यहाँ पर है उस लड़के का जो दिमाग है, जो लैंड यहाँ पर जो यूज़ हुआ है उस लड़के का दिमाग है, यानी जो मैंने संस्कार दिए थे वो उसकी ज़मीन थी, यानी वो उसका दिमाग था, क्या उसने उसके अंदर वो बोया, बोया मतलब क्या उसने उसके अंदर वो संस्कार यूज़ किए या नहीं किए, उस प्रकार की बात वो कर रहा है कि हाँ मैंने वो संस्कार जो उसको दिए थे क्या वो उस प्रकार की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस प्रकार की बात वो कर रहा है कौन, पोएट, कि मैंने उसको जो संस्कार दिए थे वो मेरा, मेरी ज़मीन नहीं थी उसकी ज़मीन थी, तो उसके द्वारा जो दिए गए जो संस्कार है क्या उसने उस पर अमल किया या नहीं किया, या उसने उस हैव आई किल्ड, या फिर मैंने उन संस्कारों को समाप्त कर दिया जो मैंने उसे दिए थे, क्या उसने उस ज़मीन में उसको बोया या नहीं। वी स्पीक, आगे पोइट बोल रहा है, वी स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, देर इज अ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वो कह रहा है हम बोलते हैं, क्या कह रहा है वो, हम बोलते हैं कि हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं और आपसी समझ का कोई चिन्ह नहीं है, यानी वातावरण में कोई भी अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यानी आपसी समझ का कोई भी मतलब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, ना वो मुझे समझता है ना मैं उसको समझता हूँ। वी स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, देर इज अ नो साइन, कोई भी चिन्ह, साइन यानी चिन्ह ऑफ द अंडरस्टैंड इन द एयर, यानी वातावरण में समझ का कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी बिल्कुल भी समझ नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। द चाइल्ड इज बिल्ड
टू माई डिज़ाइन, द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यानी उसका पालन पोषण उसके पिता की योजना के अनुसार ही किया गया। तो बच्चे को जो बनाया गया, यानी बच्चे को जो बनाया गया टू माई डिज़ाइन, माई डिज़ाइन यानी पिता के अनुसार, ये जो एक छोटा बच्चा होता है पिता के अनुसार ही उसका लालन पालन होता है। तो उसी तरह वो कह रहा है दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये जो बच्चा है ये मेरी डिज़ाइन है या मेरे द्वारा लालन पालन किया गया है। यट ओ ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, वो कह रहा है कि इसका जो लालन पालन मेरी योजना के अनुसार किया गया है, फिर भी जो बातें उसे प्रिय है मैं उसे सहभागिता नहीं कर सकता। मेरे द्वारा इसको लालन पालन किया गया, मेरे द्वारा इसको बड़ा किया गया, लेकिन फिर भी मैं इसके आई कैन नॉट शेयर, फिर भी मैं उसकी सहभागिता, जो उसके जो जो बातें उसे प्रिय है मैं उसमें सहभागिता नहीं कर सकता, यानी उसको जो अच्छा लगता है उसके अंदर मैं टांग नहीं अड़ा सकता या मैं उससे उस तरह की बात नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहा है कि फिर जिस तरीके से बीज और जो लैंड है, यानी सीड और लैंड की बात कही, सीड का मतलब तो संस्कार के रूप में बताया गया, जो लैंड है वो उस बच्चे का दिमाग बताया गया है। और फिर वो कह रहा है कि स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं कि एक दूसरे को समझते नहीं है, और फिर अंडरस्टैंडिंग होता है। फिर वो कह रहा है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, उस तरह से उसका जो लालन पालन हो मेरी योजना के अनुसार होगा, फिर भी मैं उसके लव के अंदर मेरी कोई भी सहभागिता नहीं है, मेरा कोई भी शेयर उसके अंदर नहीं है। इस प्रकार से उस पोएम को बिल्ड कर रहा है पोएट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, आगे क्या कहता है पोएट। साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव हिम साइलेंस अराउंड प्रोडिगल हिम प्रोडिगल रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस, यानी अब क्या कह रहा है वो, साइलेंस सराउंड अस, साइलेंस यानी शांति, सराउंड यानी चारों ओर, यानी घेरे हुए है हमको, साइलेंस सराउंड अस, हमको चारों ओर कौन घेरा हुआ है, हमको चारों ओर, हम मतलब हमें चारों ओर शांति घेरे हुए हैं, हमारे चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, हमें यानी पिता और पुत्र दोनों के बारे में बात हो रही, अस इसके लिए दोनों के लिए यूज हुआ है, फादर एंड सन के लिए। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल यानी होता है फिजूल खर्च करना, एक्स्ट्रा वेज है, एक्स्ट्रा वेज जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं फिजूल खर्ची करते हैं, वो उसका मतलब होता है प्रोडिगल। उसके बाद रिटर्निंग, रिटर्निंग यानी लौटना, वापस आना, रिटर्निंग यानी लौटना, हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, मतलब कि हमारे चारों जो सन्नाटा छाया रहता है अगर वह फिजूल खर्ची भी करे तो मुझे स्वीकार है, मैं चाहता हूँ कि वह लड़का अपना स्वयं का संसार बनाने और चलाने के बजाय अपने पिता के घर लौट आए, और वह अपना घर समझता था। अब पिता क्या कह रहा है कि साइलेंस अराउंड हाउस, चारों तरफ शांति, आई वुड हैव हिम अ प्रोडिगल, मैं अगर वो फिजूल खर्ची भी करे तो भी वो क्या करे, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने फादर के घर आ जाए, द होम इज़ न्यू, वो जानता है कि वो जो घर है, देन ही सी मेक अ मूव रेदर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव, यानी क्या कह रहा है वो, रेदर देन के बजाय, रेदर देन का मतलब होता है के बजाय मतलब अपने खुद का संसार, होम ही न्यू, द होम ही न्यू सी अ मेक अ मूव रेदर देन सी मेक अ मूव, यानी वो अपने खुद का घर चलाने के बजाय यहाँ पर आ जाए और अपने पिता के घर को चलाए, भले वो फिजूल खर्ची ही क्यों ना करे, मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, वो उसके घर को उसके संसार को छोड़ दे, आई वुड फॉरगिव ही टू, मैं उसे क्षमा कर दूंगा, शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, और शायद इस दुख के एक नया प्रेम जन्म लेगा, और इस दुख से मतलब मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, फ्रॉम सोरो, इस दुख से एक नए लव का जन्म होगा, कि मैं उसे क्षमा करूंगा तो वो मेरे प्रति सहानुभूति करेगा, और इस तरह से मैं उसको क्षमा कर दूंगा और मेरे दुख को
समा हो जाएगा। फिजूल खर्ची का संबंध यहाँ पर हम कह सकते हैं पुत्र के लिए यूज किया गया है। तो अलग अलग हम इस बात को देख सकते हैं। तो किस प्रकार से एक फादर पिता को बार बार कह रहा है कि वो वहाँ पर आ जाए, और पिता एक पुत्र को बार बार कोशिश कर रहा है कि वो उसको समझे। नेक्स्ट स्टेंजा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लाइव, बोथ यानी दोनों, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब। एंड सेम लैंड। अब क्या कह रहा है पोइट, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, यानी पिता और पुत्र दुनिया में और एक ही जमीन में रहना है। क्या कह रहा है, फादर एंड सन पिता और पुत्र को, फादर एंड सन यानी पिता और पुत्र को बोथ मस्ट लिव, इन दोनों को रहना है ऑन द सेम ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है यहाँ संसार, एंड सेम द लैंड और सेम जमीन पर, एक ही संसार में और एक ही जगह और एक ही जमीन पर यानी एक ही दुनिया में फादर और सन को रहना है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ही स्पीक्स। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है, स्पीक्स यानी बोलता है कि वह कहता है मैं स्वयं को नहीं समझ पाता हूँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोस फ्रॉम ग्रीफ। अब कह रहा है कि दुख में गुस्सा क्यों पैदा होता है, ग्रीफ यानी होगा दुख, ग्रोस यानी पैदा, और एंगर यानी गुस्सा, यानी दुख में गुस्सा क्यों पैदा होता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों चाहते हैं कि क्षमा करने के लिए कुछ हो, और उस चीज़ की इच्छा करते हुए खाली हाथ आगे बढ़ा देते हैं। ई वी पुच वी ईच पुट आउट ऑफ एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, यानी क्षमा करने के लिए कुछ होना चाहिए, हम दोनों चाहते हैं कि क्षमा करने के लिए कुछ हो परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, और उस चीज़ की इच्छा करते हुए हम खाली हाथ आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ कुछ हमारे पास हो जिसे हम क्षमा कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस जो ये लाइन है इसमें, तो इस लाइन को एक बार और आप समझ लें कि किस तरीके से वो कह रहा है क्षमा करने के लिए कुछ हाथ होने चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो हम पिता और पुत्र दोनों एक ही दुनिया और एक ही जमीन पर रहना है, वह कहता है मैं स्वयं को नहीं समझ पाता हूँ, दुख में गुस्सा क्यों पैदा होता है, दुख गुस्से में कैसे बदल जाता है, ऐसा वो कह रहा है, हम दोनों चाहते हैं कि क्षमा करने के लिए कुछ हो परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, हम चाहते हैं कि क्षमा करने के लिए कुछ हो, हाँ ठीक है गलतियाँ होती है, क्षमा करने के लिए कुछ हो, और उस चीज़ की इच्छा करते हुए खाली हाथ आगे बढ़ा देते हैं, और हम खाली हाथ आगे बढ़ा देते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस पोएम में पूरी तरह से रिलेशनशिप को बताया है कि हम उनमें खाली हाथ क्यों रहते हैं, खाली हाथ क्यों रहते हैं, तो उसके खाली हाथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उसके पास क्षमा करने के लिए कुछ नहीं होता है, कि बिकॉज दे हैव नॉट नथिंग फॉर फॉरगिव, हैव नॉट नथिंग फॉर फॉरगिव, यानी उसके उसके क्षमा करने के लिए उसके पास कुछ होता ही नहीं है, तो वो खाली हाथ ही आगे बढ़ाएगा। तो उस तरीके की बात यहाँ पर पोएम पोएट कर रहा है। तो जिस तरीके से पोएट ने इस पूरी रिलेशनशिप को बताया कि किस तरीके से वो पिता और पुत्र के रिलेशन के बारे में समझ रहे, किस प्रकार से उसको एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी बात उन्होंने बताई है, तो हम इस ये जो पोएम है ये बहुत ही अच्छी पोएम है। एक रिलेशनशिप, एक जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है। आप देखते हैं अमूमन जो फादर और जो सन होता है उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठता है, तो उस प्रकार की जो समस्याएँ हर घर में चलती है, तो उस प्रकार की समस्याओं को इसने बताया। तो जैसे जैसे बड़ा बेटा बड़ा होता है तो उससे फादर से उसके जो थॉट्स है वो मिल नहीं पाते, तो वही समस्याएं सबके सामने होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये एक अच्छी पोएम है, और आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में कॉल भी कर सकते हैं, डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।